देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्दोदकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम दुत भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथे स्तोत्रै जगत्ति तै चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोली आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदनामी करते हुए, सभी को वंदनामी करते हुए हमारे वह क्या बात है सेशन के ऑर्गेनाइजर, सभी ऑर्गेनाइजर तथा सभी पार्टिसिपेंट का 616 दिन में वह क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय जिने। और आगे हम चलेंगे एक सुरक्षा चक्र की ओर। नित्य ही हम एक सुरक्षा चक्र बना रहे हैं जो कि 24 घंटे बाद हमें बनाना जरूरी होता है। हमारे हैंड्स दोनों सिंपल हैंड्स है। सुरक्षा चक्र के लिए हमें दोनों हैंड्स को पावर हैंड्स में बदलना जरूरी है। दोनों हाथ आप सामने लेके आएंगे। कषायों का शमन हमें करना है। कषायों के शमन के बिना ना संसार सुख है ना मोक्ष सुख है। बोलिए पंच परमेश की भगवान की जय। सभी लोग बोलेंगे क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी मानम 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 जी नष्टम 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 जी माया 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 जी नष्टम 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 जी लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। चौबीस तीर्थंकर विराजमान करेंगे। विश्व अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाश जिन राय चंद्र भूप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कुंत अरु मल्लि मणाय मुनि सुवत नमि नेमि पार्श प्रभु वर्तमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों के उंगलियों में 24 पार्ट में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। आपको अपने हाथ भारी महसूस हो रहे होंगे। सारे दिन के लिए आपके हाथ मंगलमय हो चुके हैं। इन्हीं हाथों से जब आप सारे दिन कार्य करोगे सारे पॉजिटिव सकारात्मक पूर्णता की ओर होते चले जाएंगे। इन्हीं दोनों हाथों से आपको अपने हृदय स्थान पर एक कमल विराजमान करना है। गोल्डन कलर का आठ पंखुड़ियों का एक कमल विराजमान हो चुका है और उसके मध्य में जो कणिका है उस कणिका पे आपको अरहम विराजमान करना है। उस कणिका पे अरहम आपके हृदय स्थान में सुबह सुबह अरहम विराजमान हो चुके। सोचिए आप कितने पावरफुल हो चुके हैं। उसी अरहम से पूर्व दिशा की ओर एक रेप निकल रही है और की रेप जो आपको हवा में अ लिखना है। वही अरहम से र की रेप दक्षिण दिशा में हवा में आपको लिखना है। वही हृदय स्थान से आपके ह की एक रेप निकल रही है जो कि आपको पश्चिम दिशा में हवा में लिखना है। उसी हृदय स्थान से एक म की रेप निकल रही है उत्तर दिशा में धोक देना है आपको। उत्तर दिशा में म की एक रेप निकल रही है हवा में लिखना है और ढोक देना है। अरहम की कैप चार तपों के माध्यम से
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो तप की चार लाइन से आपने अरहम शब्द को जोड़ लिया। अरहम शब्द की एक कैप आपने पहन ली है, आप 24 घंटे के लिए सुरक्षित होने जा रहे हैं। अरहम की ध्वनि का 9 बार उच्चारण और 9th लेयर से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अरहम की कैप से आप सुरक्षित हो रहे हो। अरहम की कैप आपको नित्य ही पहनना है। अरहम बहुत पावरफुल शब्द है। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्राय नमो नमः। अरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सभी सुरक्षित हो चुके, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, इसी भावों के साथ आगे हम चल रहे हैं। हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर, पहले त्रिवेणी संगम, तीन महान स्तोत्रों का संगम IVS के मंच के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, जो 616 दिन से नित्य ही चलते आ रहे हैं। अति भाग्यशाली पुण्यशाली जीव जो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके प्रभु शांति धारा अभिषेक नमन देख रहे हैं, जिनवाणी बड़े ही प्रीति पूर्वक सुन रहे हैं, तीन महान स्तोत्र की आराधना इतने सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, बड़े ही पुण्यशाली भावी भव्य मोक्षगामी जीवों का स्वागत पुनः एक बार। और आपको एक सूचना दे दे, जैसे कि हम मंथ के अंत में 1 महीना दूर, 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, अखंड पाठ जैन साहब के जन्मदिन से शुरू हुआ था, 16 फरवरी से, यह जनवरी है, 11 महीने हमें हो गया, अगले महीने हम 1 साल हो जाएगा हमारा अखंड पाठ के लिए, जो हमने शुरू किया था 16 फरवरी से। और विश्वकर्मा जयंती भी थी उस दिन जब हमने किया था पिछले साल शुरू, उसी अखंड पाठ इस बार 31 तारीख को प्रारंभ होगा सुबह 7 बजे और 1 तारीख को समाप्त तो होगा। उसके लिए आप सभी को अपने नाम संगीता जी जैन कोटा, दीपा जी जैन दिल्ली, इनके पास देना है, जिसमें जिनके जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, तपस्या है, उन लोग इसी महीने की, जनवरी महीने के दिन के आए हैं, वो लोग अपने नाम अवश्य दीजिए, ताकि आपकी हम PPT समय से बना सके। 25 तारीख तक आपको दे देना है, PPT में सबके डल जाएंगे। बाद में लेट देने से बहुत दिक्कत होती है जोड़ने में, जो भी काम करते हैं उन्हें परेशानी होती है लेट जोड़ने से। आप लोग समय से, आप लोगों को पता तो है, ये तो नहीं पता कि आपका जन्मदिन आपको नहीं पता है, आपके बच्चों का भी पता है, आपके रिश्तेदारों का भी पता रहता है, रात से 12 बजे से ही आप लोग का सब शुरू हो जाता है, और 4 दिन पहले तो तैयारी भी हो जाती है नाश्ता वास्ता बनने की, तो आप लोगों को सब पता रहता है, इसलिए लेट आप नहीं करेंगे। 29-30 का है कह रही है दीपा जी, ठीक, कोई बात नहीं, 29 को सुबह 7 बजे शुरू होगा
उन्तीस को सुबह 7 बजे 24 घंटे का अखंड पाठ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सुबह के आईवीएस हीलिंग सेंटर के माध्यम से। ये जो होता है अखंड पाठ 24 घंटे का, सभी लोग बड़े ही भक्ति भाव से इसे करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होके इसे पढ़े भी। ये नहीं कि हमने नाम दे दिए पीपीटी में, काम आईवीएस वाले करेंगे, नहीं, जो नाम दे रहे हैं उन्हें काम भी करना है। नहीं ज्यादा, कम से कम 6 श्लोक पढ़े, अपने नाम जरूर लिखवा दे। चलेंगे अब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर। हमारे साथ अक्षय गांधी और आकांक्षा जी जैन भोपाल। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मं, संसार सागर निमज्जन शेष जंतु, होतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे एक बार, श्लोक क्रमांक 14। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे, पूतस्य निर्मलरुचे यदि वाकि मन्या, दक्षस्य संभव पदं मनुकर्णिकायः। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 5। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामी करत्वमचिरा देवधातु भेदः। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानला दुपलभावमपास्य लोके, चामी करत्व मचिरा देवधातु भेदः। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामी करत्वमचिरादिवधातु भेदः। हाँ आकांक्षा जी, मंत्र दीदी पढ़ेंगे। मंत्र, ओम नमो गंधारी स्वामिने नमः,
श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं रूं स्वाहा। ॐ नमो गंधारी स्वामिने नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं रूं स्वाहा। ॐ नमो गंधारी स्वामिने नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं रूं स्वाहा। रिद्धि मंत्र। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्कर धर्ण पयाण उविक पत्ताणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्कर धर्ण पयाणम् उविक पत्ताणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्कर धर्ण पयाण उविक पत्ताणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। इसका अर्थ हम कल देख लेंगे एक बार। चलिए ठीक है। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दे। जय जिनेन्द्र। आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आगे अब हम चलते हैं हमारे भक्तांबर द्वितीय सूत्र की ओर। भक्तांबर द्वितीय महान स्तोत्र की ओर, जिसमें 19th नंबर श्लोक की आराधना हम करने जा रहे हैं। जीवन में उन्नति, जॉब आदि जिसे नहीं लगती है उसके लिए भी है वो। कुलियाचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। भक्तांबर महान स्तोत्र की जय। जय 19th नंबर श्लोक आपके पास, पढ़ लेंगे। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारणं। आचार्य मानतुंग जी दो दिन से 17th और 18th नंबर श्लोक के माध्यम से हमें सूर्य और चंद्र की उपमा करते करते यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों भी मात्र बाह्य का अंधकार मिटाने वाले हैं। दिन का प्रकाश और रात्रि की उजेला, रात्रि का अंधकार मिटाने वाले, दिन का प्रकाश देने वाले, रात्रि का अंधकार मिटाने वाले सूर्य चंद्रमा के बारे में चर्चा और उनकी तुलना कर रहे थे और उन्हें भी फीका साबित कर रहे थे। आज दोनों को एक साथ क्या कह दिया हम इस काव्य के माध्यम से जान रहे हैं, जो दो दिन से हमारी चर्चा चल रही थी। जो अपूर्व चंद्रबिंब, उसके आगे लौकिक चंद्रमा की क्या उपयोगिता है, क्या प्रयोजन है, इसकी बात इसमें चल रही है। ऐसे अपूर्व चंद्र की बात यहाँ चल रही है। इतने सुंदर तो शब्द के साथ संबोधन करते हुए मानतुंग जी कह रहे हैं, हे वीतराग विज्ञान पयोधर, आपके मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते हुए दिन में चमकने वाले सूर्य और रात्रि में उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, विचार करिए। जिसका उदय होने का तो हम देर इंतजार करते हैं सुबह, और शाम को अस्त भी होता है, उसे देखने तो हम कहाँ कहाँ तक जाते हैं सूर्यास्त देखने, दूर दूर सैर करते हैं। और मानतुंग जी कह रहे हैं कि दिन में चमकने वाले सूर्य और रात्रि को उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? आप देखेंगे अपने प्रभु के मुखमंडल को, आदि प्रभु के मुखमंडल को देखने के लिए आज हमें जाना भी है। एक जगह हम सब मिलके जाएंगे ध्यान के माध्यम से,
अभी आप देखेंगे मुखमंडल को आदि प्रभु के, ऐसा मुखमंडल है सूर्य चंद्र तो केवल बाहर का अंधेरा दुख कर दूर करते हैं, लेकिन आपकी सौम्य मुख मंद्रा, आपका सौम्य मुख चंद्र मंडल अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधरंग अंधकार को दूर करता है। बाह्य का अंधकार तो ठीक है, अंतरंग का मोह रूपी अंधकार जिनसे हम अनादि काल से लिपटे हुए हैं, उन मोहांधकार को भी नष्ट कर देता है जिनका मुख चंद्र ऐसा अतिशय प्रकाशवान है, जिसके प्रकाश से तीनों लोक संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, जिनके ऊपर से घाटिया कर्म रूपी सघन श्यामल मेघ छट चुके हैं, कैवल्य ज्योति प्रकट होते ही राहु रूपी संपूर्ण उपसर्ग समाप्त हो चुके हैं। पासना स्वामी के ऊपर कमठ के जीव ने कब तक उपसर्ग किया था, कभी नाग बन के, कभी ग्रसा, कभी अजगर बनकर ग्रसा, कभी सिंह बनकर ग्रसा, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्राश प्रभु को प्रकट हुई, सारे उपसर्ग समाप्त हो गए और वही राहु कमठ का जीव जो भगवान का भाई ही था, 10 भाव से उनका पीछा करके उन पर उपसर्ग कर रहा था, नाना नाना तरह के जन्म लेके उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाता है। एक मोह का क्षय करने से क्या हो गया, आप अपूर्व चंद्र बिंब हो गए और कुबेर ने अपना पूरा वैभव का वैभव समूह शरण के रूप में तीर्थेश के चरणों में रख दिया। ऐसा वैभव जो प्रभु आंख खोलकर एक बार भी उसके तरफ देखते नहीं है और उसे छोड़ के निकल जाते हैं। हम तो बाजार जाते हैं, कोई एक आध वस्तु हीरा पन्ना की खरीद के ला लिए, एक आध सेट अंगूठी कुछ भी, तो हम बार बार उठाकर फिर देखते, फिर रखते, फिर पहनते, फिर देखते, फिर उठाकर रखते। इतना मोह मोह मोह, क्या उसमें आसक्ति हमारी रहती है? लेकिन प्रभु को रत्न जड़ित समोषण, अष्टमंगल प्रातिहारी से सजाया जाता है, समोषण। लेकिन प्रभु एक बार भी उसके तरफ नजर उठा के नहीं देखते। इतने महान अरहंत को प्राप्त, अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं तो कुबेर के समोषण की भी उन्हें जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कुबेर की भक्ति है, सौधर्म इंद्र की भक्ति है। उन्हें लगता है भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, प्रभु एक नजर भी उठा के नहीं देख रहा है। ओ 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक समोसरण में विराजमान रहे, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व होने के बाद 1000 वर्ष कम पूर्व तक समोसरण में विराजमान रहे, परंतु एक बार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखी। उनकी पूरी दृष्टि उनके नासाग्र पर थी। हम एक साड़ी खरीदने जाते हैं, 50 साड़ी देखते हैं, जब एक लेते हैं। प्रभु के पास तो रत्नों का इतना वैभव, लेकिन एक नजर भी प्रभु उसको उठा के नहीं देख रहे थे। हम लोग सब कहां से आए हैं, हमारा हेडक्वार्टर क्या है? निगोद। हम लोग वहीं से निकल के आए, 2 आत्मरूपी चूहे उस निगोद के बिल से निकले, 2 आत्मरूपी चूहे उस निगोद के बिल से निकले और भागते 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 एक चूहा तो एक मिठाई के शोरूम में चला गया और दूसरा चूहा कहाँ गया? सपेरे के घर में घुस गया। सपेरे के घर में घुसा तो घुसा, वो उसके सपेरे की जो टुकनी रखी रहती है सर्प की, उसके अंदर चला गया। फिर दोनों चूहे वापस आते हैं, अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन क्या हुआ, जो चूहे सपेरे के घर में गया था
जो चूहा सपेरे के घर में गया था वो सर्प के पिटारे में घुस गया। सर्प ने उसे क्या करा, अपना ग्रास बना लिया, खा लिया। जो चूहा मिठाई के शोरूम में गया था वो सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मिठाइयां को खा रहा है। वो चूहा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मिठाइयों को खा रहा है। भैया ये उदाहरण को थोड़ा सोचिए, ये उदाहरण क्या है? ये उदाहरण वो है जो चूहे और दूसरे कोई नहीं, वो चूहे हम और आप ही है। आप इस बिल से निकलकर भोग के पिटारे में घुस गए, वो और कोई नहीं है। वो चूहे कौन है? हम ही है। हम लोग निगोज से निकले हैं और भोगों के पिटारों में घुस गए हैं, जिसमें पंचेंद्रिय रूप पंच फणी सर्पों के द्वारा प्रतिक्षण डसे जा रहे हैं। अच्छी अच्छी मिठाइयां, संसार तो अच्छा मिठाई लगता है ना, अच्छे वस्त्र, अच्छा घूमना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब मिठाइयां ही तो है। मिठाइयां किसी को बुरी लगती है क्या? मिठाइयां ही तो है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे बड़े बड़े सोफा सेट, डाइनिंग, घूमने मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, अच्छे नेकलेस, अच्छे आभूषण मिल रहे हैं। तो भोग के पिटारों में हम घुस गए हैं, जिससे पंचेंद्र रूप पंच फणी सर्पों के द्वारा प्रतिक्षण डसे जा रहे हैं। पांच फन वाला स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्म, पांच फन वाला सर्प हमें प्रतिक्षण डस रहा है। इंद्रिय विषय भोगों की दुकान पर पहुंचकर आपकी आत्मा हर क्षण भोगों के कर्मों से डसी जा रही है। क्या हो रहा है? हमारी आत्मा हर क्षण प्रति क्षण भोगों के दंश से डसी जा रही है, लेकिन हमें भान नहीं है। इस सत्य को हम समझ ही नहीं रहे, इस सत्य को हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम सत्य को समझेंगे, उसे समझने से भी काम नहीं होगा, उस सत्य को समझकर हमें उसे स्वीकार करना होगा। जब तक हम उस सत्य को समझकर स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उससे निकलने का पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। आज हमें इस मिठाई की दुकान से निकलने का प्रयास करना है। जो स्लो पॉइजन हमें दे रहा है ये संसार, धीरे धीरे हम पंचेंद्रिय विषय रूपी पांच फन वाले नाक से जो डसे जा रहे हैं, उससे निकलने के लिए ही हम अभी एक ध्यान की ओर लेके जाएंगे आप सभी को। तो सभी लोग इस मिठाई की दुकान से निकले और आत्म रूपी मिठाई की दुकान में प्रवेश करें, जहां पे भी आपको अनंत गुण रूपी मिठाई मिलेंगी। उस मिठाई के दुकान में, संयम रूपी मिठाई के दुकान में आप पहुंचे। इसी भावों के साथ आगे हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम राम रीम रूम र यक्ष रीम वशिष्ठ नमः स्वाहा। अरिहंत भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान को उस संयम धारण करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए हम उनका आवाहन करके अपने हृदय स्थान में उन्हें विराजमान करते हैं, और अपने हृदय स्थान में विराजमान करके उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। मेरे चरण द्वय प्रभु, तेरे चरण द्वय प्रभु वर मेरे हृदय रहे, और मेरा हृदय सदा ही प्रभु तेरे चरणों में रहे। इसलिए हम उस पंच परमेश के रूप में, उस पंच विषय रूपी नाग फन से निकलने के लिए जो हमें नित्य ही डस रहा है, हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। विद्धि ओम ह्रीम अरम णमो विजा हराण झोम झोम नमः स्वाहा। यहाँ क्या कह दिया? विज्ञा हराणम ओम पंच परमेश्वरी रीम में 24 तीर्थंकर, अरहम यानी अरिहंत भगवान, अरहम जो हमें अहंकार को नष्ट कर दे, नमो यानी नमस्कार, झोम झोम यानी शक्तिशाली, नमः यानी नमस्कार,
ऐसे विद्याधर जिनों को नमस्कार किया गया है, विद्या हराना मैंने विद्या प्राप्त करने वाले, तो ऐसे विद्याधारी जिनको यह नमस्कार कर रहे हैं, जो जाति की विद्या, कुल की विद्या और तप की विद्या, तीनों भी प्रकार की विद्याओं के धनी, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। तीन विद्याएं कौन सी? जाति की, दूसरी कुल की और तीसरी तप की। जाति की विद्याएं कहाँ से प्राप्त होती है? जाति हमें माता पक्ष से प्राप्त होती है, तो मातृ पक्ष से प्राप्त जो विद्याएं होती है वो जाति की होती है। कुल हमारे पिता का होता है, पितृ पक्ष से जो विद्याएं प्राप्त होती वो कुल की विद्या होती है। और तप की विद्या क्या है? जो हम उपवास आदि करते हैं, जो हम तप करते हैं उपवास आदि के माध्यम से, उससे जो सिद्ध की गई विद्याएं होती है वो तप की विद्याएं होती है। तीन प्रकार की विद्याएं, जाति की विद्या, कुल की विद्या और तप की विद्या। ऐसे विद्याधर जिनों को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो तीनों प्रकार की विद्याओं में निपुण है। और अब आगे हम अब चलते हैं अपने सिंबल एनर्जी के लिए। हम 48 श्लोक के माध्यम से 48 सिंबल की एनर्जी ले रहे हैं। हमारे 18th ध्यान हो चुके, 18 प्रकार के ध्यान हम कर चुके हैं, और अब आगे 19 नंबर जो कि हमें उन्नति की ओर लेके जाता है। लौकिक में हम देखते हैं तो जिसे जवाब आदि नहीं लग रही है उसके लिए यह मंत्र रिद्धि का पठन पाठन करते हैं, 19वें काव्य के रिद्धि मंत्र के साथ भक्ति करते हैं, बिना अन्न जल के सुबह सुबह 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि और 9 बार श्लोक का पठन करते हैं, तो आप अपने जीवन की उन्नति पाते हैं। लौकिक शिक्षा जो आपने पूर्ण की है उसी शिक्षा का आगे उपयोग कर उसे पूरी देश की उन्नति और अपने स्वयं की उन्नति के लिए आप लगाते हैं। और अब हम उस उन्नति के बाद हमें अपनी आत्मोन्नति भी करना जरूरी है। हमें क्योंकि बड़े ही मुश्किल से हम निगोद रूपी काली कोठरी से, वो बिल से निकले हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और इतने जीव, 608 जीव ही कर्मों का क्षय करके सिद्ध प्राप्त, सिद्धत्व को प्राप्त करते 6 महीने 8 समय में। अभव्य जीव कभी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, रत्नत्रय को धारण नहीं कर सकता। चिंतन करो उस निगल रूपी भार से हम कैसे निकले हैं। जिस प्रकार से एक दाना कढ़ाई में हम चने सेकते हैं और एक दो चार दाने उचट के बाहर जाते हैं, इस प्रकार से हम निगोद से आए हुए हैं। और हमें अपना जीवन वापस उसी बिल में, उसी सर्प वाले पिटारे में जाकर नष्ट नहीं करना है। हमें वो चूहा नहीं बनना है जो सर्प के बिल में जाके सर्प ने निगल लिया, वो चूजा हमें नहीं बनना है। एक श्वास में 8-10 बार वाला, हमें अपने आत्मोन्नति वाला चूहा बनना है, जो अपने आत्मोन्नति कर सके हमें वो बनना है। तो हम एक ध्यान के माध्यम से चलेंगे आत्मोन्नति की ओर। देवादि देव के मुख चंद्र का दर्शन करेंगे। सभी लोग एकदम स्टेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, स्टेट बैठेंगे। बहुत ही सौभाग्यशाली हम सभी जो 48 श्लोक के माध्यम से 48 ध्यान बिना न संसार सुख है न मोक्ष सुख है। मोक्ष की प्राप्ति करना है, ध्यान का रूप, ध्यान का बीज आपको यहीं से डालना होगा। ध्यान रूपी बीजारोपण यहीं से करना होगा, आपकी हृदय रूपी भूमि को यहीं से स्वच्छ करके सिंचन करना होगा।
तो चलते हैं हम ध्यान रूपी भूमि की ओर, जिसमें हम अपने बीज बीजारोपण करेंगे। एकदम स्ट्रेट तन पे मन में कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आपने जो अभी सूत्र को समझा है उसका शेप आप देख रहे हो, हल्का होना है आपको, पतंग के भांति, जैसे पतंग ऊपर ऊपर जाती है उसी प्रकार से अपने आप को भी हमें हल्का करना है, कर्मों के भार से हमें हल्का करना है। जैसे पतंग एकदम लचीली रहती है उसी प्रकार से हमें अपने आप को आज हल्का करना है। ये इसका सेफ, एकदम हल्के होकर ऊपर की ओर जाना हमें सिखा रहा है। और उसके बाद आज जो आएगा थम लव्यूम, इसको आपको पढ़ना है। व्यूम का उच्चारण आप करके देखो, आधा व य नीचे र ऊपर र, दो र है, व्रूम व्रूम ऐसा पढ़ना इसको। और थम लव्यूम इस प्रकार से सभी लोग स्टेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आप को एकदम तीन बार फूंक मार के खाली करेंगे, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, ओम। अगेन लंबी गहरी श्वास, ओ देखेंगे सिंबल को। आपने दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र पर आप हाथों से बना सकते हैं, सरल है ये। जो बीच में आपको रेड लाइन दिख रही है उल्टा चंद्रमा, फिर एक उसके नीचे सीधा चंद्रमा को जोड़ दीजिए, एक सूर्य के भांति है और एक चंद्र के भांति है। उसके मध्य में आप देख रहे हो एक चौकोन बना हुआ है, जिसके ऊपर राम रीम 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 विराजमान है। 24 तीर्थंकर जहां विराजमान है, सिद्धशिला का ही रूप है ये। आप अपने अज्ञा चक्र पर 24 तीर्थंकर को विराजमान करेंगे, 5 times उसको प्रेस करिए। और सोचिए आपके अज्ञा चक्र पर 24 तीर्थंकर सिंबल के माध्यम से 5 times विराजमान हो रहे हैं। 5 बार आपने विराजमान कर लिए अपने आज्ञा चक्र पर, एनर्जी को महसूस करिए, विचार करिए, सोचिए कि आप सभी लोग, हम सभी लोग एक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। एक बस में हम पूरे के पूरे लोग एक बस में बैठे हुए हैं। बड़े ही उत्साह से, बहुत ही उत्साह पूर्वक नाचते गाते, ढपली बजाते, भजन आदि करते, नृत्य करते हुए बस में ध्यान करते हुए एक यात्रा, अष्टापद की यात्रा की ओर जा रहे हैं। आदिनाथ जयंती के अवसर पर हम अष्टापद की यात्रा करने निकले हैं और हमें अब वहीं से कैलाश पर्वत की ओर जाना है। बड़े ही भक्ति भाव से भक्तांबर पढ़ते हुए सभी लोग कैलाश पर्वत चढ़ रहे हैं। किसी को थोड़ी थकान हो रही, कोई बीच बीच में बैठ रहा है, सभी लोग उनका साथ देंगे, उनके साथ रुकेंगे। जो हमारे साथ ओल्ड एज के लोग हैं उनका हाथ पकड़ के
उन्हें ऊपर चढ़ाएंगे पहाड़ों से। सेवा भाव हमारे साथ बहुत सारे हमारे ज्ञानवान बुजुर्ग हमारे साथ चल रहे हैं तत्व चर्चा करते हुए। सूर्य और चंद्रमा की चर्चा चल रही है और ऊपर पहाड़ पे हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मन में कई समस्याएं कई उलझने चल रही है। चलते चले, चलते चलिए, चलते चलिए। बड़ी उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ आप प्रभु के पास पहुंच चुके। प्रभु का मुखमंडल आप देख रहे हो। कैलाश पर्वत पर आप पहुंच चुके जहां आदिनाथ भगवान विराजमान है। कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके आप, आदिनाथ भगवान का मुखमंडल आप देख रहे हो। आप निहार रहे हो बार बार प्रभु के मुखमंडल को। देखिए, निहारिए, उनके आद्य चक्र से एक एनर्जी निकल रही है। वो सिंबल, वो एनर्जी आप महसूस करिए। उस एनर्जी को महसूस करिए। वो चमचमाता हुआ मुख चंद्र मुखमंडल को देखिए। और अब आप धीरे से प्रभु के चरणों में गौवासन में बैठ चुके हैं। जिस प्रकार बच्चा अपने माँ के पास जाकर बिना झिझक सारी चीजें कहता है, इसी प्रकार से आप प्रभु के चरणों में बैठ चुके हो और अपनी समस्याएं अपनी उलझन प्रभु के चरणों में बैठते से ही उसका हल आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दर्शन मात्र से ही सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। और आपको एक मंत्र सुनाई दे रहा है जिसके माध्यम से आप ये समझ रहे हो कि इतना प्रकाशमान मुखमंडल तो सूर्य की क्या जरूरत है, इतना तेजोमय मुखमंडल। केवल ज्ञान रूपी दीपक यहां जल रहा है तो इस लौकिक सूर्य की क्या जरूरत है। और प्रकाशमान, ये प्रकाशमान मुखमंडल जो तीनों लोक को प्रकाशित कर रहा है। आप एक संगीत के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक सूत्र के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से। आप इस मंत्र के माध्यम से विचार कर रहे हो। जहां केवल ज्ञान रूपी दीपक जल चुका है वहां लौकिक सूर्य की क्या आवश्यकता। जो धुंध में उदित होता है रात में अस्त हो जाता है, शाम होते होते अस्त हो जाता है। जो राहु से ग्रसा जाता है, जो बादलों के आड़ में छिप जाता है, जो आपला उजेला मात्र बाहर में देता है, कंदरों और गुफाओं में तो उसका उजेला पहुंचता ही नहीं, ऐसे सूर्य की क्या प्रयोजन आप विचार कर रहे हो। केवल ज्ञान रूपी दीपक तो तीनों लोक को प्रकाशित कर रहा है, कंदरों में गुफाओं में भी जा रहा है। वो कभी राह से ग्रसित नहीं होता, ना कभी बादलों की ओट में छिपता है, ना कभी अस्त होता है।
ऐसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है। और रही बात अब चंद्रमा की, जो रात में प्रकाशमान होता है, तो ऐसे चंद्रमा का भी क्या प्रयोजन जो शाम को उदित होकर सुबह दिन निकलते ही अस्त हो जाता है, पलाश के पत्तों की तरह निस्तेज हो जाता है, राह से ग्रसित होता है, बादलों की ओट में छिपता है, अपना उजेला वो कंदरों तक भी नहीं पहुंचा पाता। ऐसे लौकिक चंद्रमा की क्या जरूरत है? प्रभु का मुख चंद्र, वो तेजोमय शुक्ल ध्यान रूपी मंडल, चंद्र मंडल, मुख चंद्र मंडल आप देख रहे हो और विचार कर रहे हो कि ये सूर्य और ये चांद ये निरर्थक, कोई प्रयोजन नहीं इनका। प्रभु का चमचमाता हुआ चेहरा, जिसको देखने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, समूल पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। देखने मात्र से हमारे सभी पाप विलायमान हो रहे हैं, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देखते ही देखते आपके पाप नष्ट हो रहे, धीरे धीरे आपकी हृदय भूमि साफ स्वच्छ हो रही है। प्रभु के मुख दर्शन के दर्शन करते हुए आपकी हृदय भूमि स्वच्छ हो सकी, जिस पर आप सम्यक्त का बीजारोपण कर रहे हैं। समकेते रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही। समकित रूपी बीजारोपण हृदय रूपी स्वच्छ भूमि पर आप कर रहे हैं। उस प्रकाश को पाने के लिए जो प्रकाश अंतरंग और बाहिरंग दोनों अंधकार को नष्ट करता है, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश पाने के लिए आपने अपने हृदय रूपी भूमि पर एक समकित रूपी बीज का पौधा लगाने का सोचा है। समकित रूपी बीजारोपण हो चुका और आप 616 दिन से नित्य ही प्रभु की आराधना रूपी धर्म रूपी ज्ञान रूपी जल से सिंचन कर रहे हैं। उसे 616 दिन से कंटिन्यू उस बीज पे ज्ञान का सिंचन, सम्य ज्ञान रूपी जल का सिंचन कर रहे हो। धीरे से आप देखेंगे वो अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं। जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। वो अंकुर निकल रहे हैं, आपका कैलाश पर्वत चढ़ना सार्थक हो रहा है, प्रभु के दर्शन करना सार्थक हो रहा है, सम्यक चारित्र के अंकुर निकल रहे हैं। धीरे से आत्म बीज से एक आत्म पौधा तैयार हो रहा है, आप देख रहे हो। धीरे धीरे 616 दिन, 6+1+6, 13 प्रकार के चारित्र को धारण कर रहे हो। आज 616 दिन अंक को प्लस करिए, 13 13 होते हैं। 13 प्रकार के चारित्र को आज आप धारण कर रहे हो। वो 13 प्रकार के चारित्र अलग अलग कलर से पौधे बन के लहलहा रहे हैं। आपके हृदय स्थान में वो पौधा लहलहा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर लहलहा रहा है। आपकी भावनाओं का पौधा अब मेरे जीवन रूपी फसल पक चुकी है,
अब फसल पक जाने के बाद, चारित्र को धारण करने के बाद, उस जल की क्या आवश्यकता जो कि धन्य धान्य उपज जाते हैं तो जल निरर्थक होता है, जल की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मेरे अंदर भी चारित्र के पौधे लहलहा रहे हैं, सम्यक की भूमि पर लहरा रहे हो आप, फसल पक चुकी है, फसल को काटना जरूरी है वरना पांच इंद्रियों के कीड़े, ईर्ष्या के कीड़े, क्रोध मान माया लोभ घृणा तृष्णा के कीड़े उस पौधे को खा जाएंगे। ग्राहक के देश के कीड़ों के द्वारा वो फसल नष्ट हो सकती है, इसलिए सावधान। समय के पौधे पनप रहे हैं, उसे काट लो। चारित्र रूपी फल को ग्रहण कर लो, उस फल का स्वाद ले लो। अंतरंग और बाह्य दोनों भी अंधकार को नष्ट करने वाले फल जो कि प्राणी मात्र के अंदर वात्सल्य करुणा प्रीति सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रबोधन अनुकंप का भाव लाते हैं। और हमने अपना सम्यक तो सुरक्षित कर लिया, सत्वेषु मैत्री करुणा के भाव से अपने सम्यक को हमने सुरक्षित कर लिया। और अब हम समस्या और कठिनाओं से बाहर आकर कर्मों से अपने आप को हल्का लचीला पतंग के भांति अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव की ओर जाने के लिए हल्का कर लिया है। आप अपनी आंतरिक क्षमता के पास पहुंच चुके हो। आप खुद से जोड़ने के लिए अब आपको बाह्य घटक, बाह्य आकाश के घटक की कोई जरूरत नहीं, ना सूरज की ना चांद की कोई प्रयोजन नहीं, बाह्य आकाश के घटक की कोई आपको जरूरत नहीं है। अब आपके अंतरंग की क्षमता आपकी खुद की, उस अंतरंग की क्षमता के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका, समूल पाप नष्ट हो चुके। आप अपने भीतर ही हो, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में साधना की खेती पक चुकी है और अब तो प्रभु की भी आवश्यकता नहीं है, पंच प्रभु की भी शरण छोड़ना पड़ता है। जब हमारी आत्मरूपी खेती पक जाती है तो प्रभु बरस चुके, प्रभु ने अपना सिंचन आप पे कर चुके हैं और आप पूर्ण तरह साधना के लिए पक्के तैयार हो चुके हो। अपनी साधना में आप एकदम लीन हो चुके हो। प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपकी क्षमता बढ़ रही है, आप अंतरंग में लीन तल्लीन होते जा रहे हो। और आपने भी वो तेज, वो तेजोमय मुखमंडल
आपने भी वो केवल ज्ञान प्रकट कर तेजो में मुखमंडल पा लिया है। आपने भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर प्रभु के समान ही तेजो में मुखमंडल पा लिया है और अब आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। बस थोड़ी ही दूर सर्वासिद्धि देख रहे हो आप ऊपर, सर्वासिद्धि से मात्र एक बाल की दूरी है और आप वापस मोक्ष की ओर, मोक्ष की ओर पढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो। आप हल्के हो चुके कर्मों के भार से, आप हल्के हो चुके कर्मों के भार से ऊपर 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 जा रहे हो और अब आप सिद्धालय में विराजमान हो चुके। आपकी गुहार पूर्ण हो चुकी, अनंत गुणों के भंडार, अनंत सुख के भंडार, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र का भंडार आपके पास आ चुका और सूक्ष्म अव्यवाधक अगुर लघुत अवघाणत्व आठों गुण से आप सुशोभित हो चुके। अष्ट गुण रूपी कमल आपके अंदर विराजमान हो चुका, अष्ट गुणों की प्राप्ति कर चुके, सिद्धालय में विराजमान हो चुके हो। वहां का आनंद, उस आनंद में आप डोल रहे हो, सुख 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 इंद्रियातीत अतीन्द्रिय आनंद में आप झूम रहे हो। आप वहां पहुंच चुके हो जहां से आने के लिए कोई हाईवे नहीं। एक बार विराजमान हो गए अपने अनंत सुख में आप, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान में लीन हो चुके, अपने स्वभाव में लीन हो चुके हो। ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और एक मंत्र जाप, ओ रीम थम्बर्यूम नमः, ओ रीम थम्लव्यूम नमः, ओ रीम थम्लव्यूम नमः, ओ रीम थम्लव्यूम नमः, ॐ ह्रीं थम्लव्यो 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 नमः, थम्लव्यो थम्लव्यो थम्लव्यो, ह्रीं 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 ह्रीं। पूर्ण सिंबल की एनर्जी से ओतप्रोत अनंत शक्ति संपन्न आप बन चुके। अनंत अनंत सिद्धों में आप विराजमान हो चुके और ओमकार की ध्वनि तीन बार ओम,
लंबी गहरी श्वास। ओ दोनों हाथों की सिद्ध शिला बना के ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ कानों से सटा के स्टेट। सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम, सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम, सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम। हैंड रूपी चैनल से एनर्जी अपने आज्ञा चक्र पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हल्के से आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। सोहम 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 आनंदोहम आनंदोहम। ओम सुखम ओम सुखम। दोनों हाथों का घर्षण करिए। ओम सुखम ओम शांति बोलिए। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आनंदी आनंद दीदी, आनंदी आनंद पूरे समय आदिनाथ भगवान पहले स्फटिक हो उसमें संगमरमर की हो, जो यहाँ पे हम देखती हूँ ना इधर त्रिमूर्ति में। फिर उसके बाद मांगी तुंगे के फिर वो पद्मासन मुद्रा में, मतलब एकदम पुंज से घिरे हुए इतने सारे समय पूरा दिखते रहे और अलग अलग आकृतियां दिखती रही, इतने सिंबल्स दिखे, पता नहीं क्या दिखाया भगवान जाने, लेकिन बहुत रिलैक्स फील हो रहा, बॉडी बिल्कुल एकदम कूल शांत हो गई। प्रतिदिन हम लोग प्रतिदिन हमें एक अनुभव, प्रतिदिन हम ध्यान कर रहे हैं। 48 सिंबल के बाद पता नहीं क्या होगा दीदी, हम लोग भी शक्ति पुंज बन जाएंगे लगता है। पूरे 48 सिंबल में पूरे लोग एनर्जी से भर जाएंगे। सही बात है दीदी। थैंक यू दीदी, अनुमोदना आपकी, आप इतने अच्छे अच्छे ध्यान डेली बना रहे हो, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना। ये तो काम सच में कभी सोचा भी नहीं था। 48 श्लोक पे 48 नाटक का तो मैंने सोचा था, लेकिन ध्यान का तो नहीं सोचा, और वो बनते जा रहा है। नाटक तो मैंने सोचा था, डेली नया ध्यान, नई चीज, नई नई चीज ला रहे हो आप, मतलब क्या बोले आप उसको, शब्द ही नहीं है। एक एक ध्यान इतना सुंदर और इतना अच्छा है, शब्द नहीं मिल रहा है उसके लिए बोलने के लिए कि क्या बोले। और जो जो विजुलाइज होता है वो तो आपने ऑटोमेटिकली होता है, हम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। पहले थोड़ा ध्यान लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी कि वहां पे अपना जो है एकदम ध्यान करे, अभी तो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। बिल्कुल, अब इतनी ऊंचाई पे जाओगे तो ऊंचाई प्राप्त होगी ना। कैलाश पर्वत पर गए, अपने अंदर हृदय में तो ऐसे लहलहा रहा था ना आनंद में बिल्कुल। पहले ऐसे लगता था आंख बंद करते ढूंढे क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, आंख बंद करते सब अपने आप ही दिखने लगता है। हल्का महसूस है आशा जी यहाँ पर मैसेज डाल रही है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं इसमें। सभी चैट बॉक्स में मैसेज देने वाले को धन्यवाद, और सुंदर ध्यान दीदी, फुल एनर्जी, थैंक्स। अजीत जी भी लिख रहे हैं सुपर, अद्भुत आनंदमय यात्रा, कितनी यात्राएं हम कर रहे हैं। नमिता जी कुछ कहना चाह रही हैं दीदी। कौन? नमिता पारिक। अच्छा, नमिता पारिक को ले लो।
हाँ नमिता जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी बोलिए। आपने तो एनर्जी से इतना फुल एनर्जेटिक कर दिया, बिल्कुल मतलब रोज सुमन लता जी की तो बातें सुनते हैं हम, मतलब वो ही रियलाइज होता रहता है। आज बहुत इच्छा हुई, अपने भाव को रोक नहीं पाई इसलिए हैंड रेज कर दिया, क्योंकि समय की भी परिधि है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कैलाश पर्वत पर जाकर के व्हाइट जो एनर्जी है, व्हाइट पूरा। और आपने जो चौथे गुण स्थान की अपनी भावना रहती है कि भाई वहां तक पहुंचना है, साधु संत बनना है, दीक्षा उत्तम चरित्र की, और उत्तम चरित्र जब ही होता है। तो सच में दीदी आज वैसा ही महसूस हो रहा था कि मैं, मेरे हाथ में भगवान जी का, भगवान जी ने वो दे दिया है और चरित्र की परिकल्पना आ गई। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा, बहुत आनंद से मैं नाच रही हूँ और पीछी लेकर के और एकदम व्हाइट वो पहन करके और पूरा वही रियलाइज। मैंने आपको बहुत 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 धन्यवाद कि हमेशा मेरे मन में ये रहता था कि ये कब ग्रहण करेंगे, कैसे करेंगे, पर आज आपने उस केंद्र बिंदु तक पहुंचा दिया कि वो चीज भी मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं बन चुकी हूँ सातवीं और मैं बहुत खुशी से नाच रही हूँ और भगवान के समक्ष। और लास्ट में आपने बोला कि प्रभु का भी साथ छूट जाता है और अपन अपने उसमें वो हो जाते हैं, तो वो ही केंद्र बिंदु तक मैं पहुंच चुकी थी और बस कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं, आँख भी नहीं खुली काफी टाइम तक, मैं उसी उसमें बह रही थी। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, आपका तो बहुत उपकार इस जन्म में कि इतने अच्छे पथ प्रदर्शक मुझे मिले और मैं सही राह पर अब जा रही हूँ, भाव से भी और चरित्र से भी। तो बस यही मैं, क्या आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हमें ऐसा ही आपका हमेशा इतना सुंदर भाव की रचना सहित ऐसा ही मिलता रहे, बस यही मैं आपसे विनती करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद। मन गार्डन हो गया, बाग हो गया, लिख रहे जयपुर वाले मंजू जी। आज तो मैं खुले उसमें बैठी थी दीदी, बिल्कुल वही ठंडी और वही बर्फ और वही, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था। कोइंसिडेंस बच्चों ने कुछ शॉल वाला लाके उड़ाई, मुझे वो भी नहीं पता पड़ा। देखो कितना ध्यान रखते, मम्मी बेटी को शॉल उड़ा दी, अब तो शॉल उतारने का समय था, शॉल उतारने के लिए बैठे थे, शॉल उतारने। हाँ बच्चों ने डाल लिया, मुझे वो भी नहीं पता पड़ा कि कौन डाला, अभी देखी कि अरे शॉल भी कौन उड़ा गया क्या पता। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं सबको, धन्यवाद। नमिता जी आपने बहुत अच्छे विचार रखे, सबको तो ले नहीं सकते, हमें तत्वा सूत्र वाचन भी करना है, तत्वा सूत्र के बाद अपनी भावनाएं रख लेंगे सभी लोग, सुदेश बोलना है बाद में लेते सबको। चलिए चलते हम अपने तत्वा सूत्र साधना की ओर। तीन महान स्तोत्रों का संगम हमारा चल रहा है 48 दिन तक, थोड़ा सा हम 9 बजेंगे, हमें लेट होगा, फिर बाद में थोड़े समय से आ जाएंगे हम लोग। आज हम 19 ध्यान की ओर पहुंच चुके हैं, अब कल हम 20वां ध्यान करेंगे। ये बहुत मतलब स्वप्न सा लगता है कि प्रतिदिन एक दिन में ध्यान बन जाना, जिसको बनाने के लिए दिनों दिन चले जाते हैं। कोई भी चीज बनाने के लिए एक दिन में नहीं होती, दिन पे दिन चले जाते हैं, कितने दिन महीना साल पता नहीं, जब कोई चीज बहुत अच्छी एक बन पाती है। लेकिन प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं 48 ध्यान एक दिन में, एक घंटे के अंदर, आधा घंटा ही मैं लेती हूँ सुबह रात में, जब सब चीजें सब सो जाते हैं उसके बाद ही मेरा ध्यान बन पाता है। रात में 11 बजे से 11:30 आधा घंटा मेरा रहता है, वो उस पीरियड में ही मेरी ये ध्यान की कल्पना पूरी होती है। मैं यदि दिन में सोचू भी तो मैं बना नहीं पाती, और मैं रात में भी सोचू कि कुछ कर लूं तो कुछ होता ही नहीं है। वो रात में जब 11 बजे ही, वो पता नहीं क्या वो समय हो गया है, एक
तो उस समय ही मन में जो कल्पनाएं आती है वो कुछ नोट कर लेती हूँ, और सुबह वो भी जरूरी नहीं कि जो रात में सोचा वो सुबह बोल रही हूँ, सुबह कुछ और भी निकल जाता है कहीं और भी। कैलाश पर्वत तो रात में सोचा ही नहीं था, रात में तो कुछ और सोचा था और सुबह कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो वो इस प्रकार से बनते जा रहे हैं, कल 20 नंबर की ओर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि आत्मा को छुड़ाने वाले कर्म चोर से हमने आपने हमें आजादी दिला दी। आत्मा को 4 कर्मों से छुड़ाकर कैवल्य और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर अष्ट कर्म से छूट कर आत्मा के अष्ट गुणों को दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैसेज आया है, बहुत बहुत आभार दीदी आपका। थैंक यू सभी मैसेज देने वाले को, अगेन एक बार थैंक यू। आप लोगों की मैसेज, आप लोगों के धन्यवाद। आप यही शक्ति है जो हम सब मिल के काम कर पाते हैं।